in Haryana, where I come from, in Hisar, assembly elections, lot of people were coming to me that you should fight election, you should represent your city, etc. But I never wanted to do electoral politics. But then I put my weight behind other candidate who I felt was a good person for this city. I went and sought vote for them, vote for this person, and this person won also with a good margin. But then I called this person, within second day, third day I called him. I said, my plan is in so-and-so date onwards to so-and-so date, I will be in Hisar. And you should also accompany me so that we go and thank people that they voted for us. He said, nahi sir, iski kya zarurat hai? Arre, bhaiya, okay, you can't do it, na, you have to. He says, my assembly is opening. I said, okay, you go, but I will go and pay thanks to my people. And when I went and thanked, people also didn't believe that within week, 10 days, this person is back again to thank us. And that love and affection which you get because of that is big. Similarly, when you do express your gratitude to somebody, you become humble. You become humble, your ego goes away, your ego gets reduced. You will think very differently about yourself. You start loving the other people because you have उसमें करुणा जागती है आपके अंदर भावना पैदा होती है एंड यू स्टार्ट लविंग सराउंडिंग दे स्टार्ट लविंग यू इन रिटर्न एंड द होल थिंग बिकम सो ब्यूटिफुल एंड यू स्टार्ट सेइंग व्हाट अ ग्रेट वर्ल्ड इट इज लाइक दैट मेक श्योर दैट एटलीस्ट वन ए डे यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू समथिंग और द अदर इवन इफ यू डोंट फाइंड अ पर्सन हु हैज डन समथिंग गुड टू यू Just thank the nature that they made you what you are. Make sure that every day you convey one gratitude to somebody or the other. And slowly and gradually you will see that becomes your habit. And with that you see the other people's attitude towards you will start changing. A lot of people thank me also, and the director is telling me that I must show one of that. Note that I want to publicize, but let's see somebody who benefited with this show has to say. उनतालीस साल के राजन कुमार 1996 से बिहार के बेतिया जिले में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं खुद एक बिजनेसमैन बनने के पीछे मकसद सिर्फ एक था दूसरों को शिक्षा और रोजगार देना इसी सोच के चलते कंप्यूटर सेंटर खोल तो लिया लेकिन बिजनेस उम्मीद के अनुसार रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा था बिजनेस के क्षेत्र में मार्गदर्शन की कमी खटक रही थी और इसी बीच राजन को पता चला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो के बारे में मैं उनका एक शो देखा जिसमें क्रिएटिविटी पे उन्होंने फोकस किया था और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो उसमें कह रहे थे कि क्रिएटिविटी को अपना के क्रिएटिविटी हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस हाउ टू गेट मोर एंड मोर सक्सेस इन योर लाइफ इस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया था और जिस तरह से उन्होंने क्रिएटिविटी पे खास तौर से फोकस किया इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी उतारा और देखा कि मुझे काफी फायदे मिल रहे थे 6 महीने के अंदर ही क्रिएटिविटी लीडरशिप और फियर जैसे विषयों पर देखे गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो से राजन ने कई टिप्स ली और उनको अपने बिजनेस और असल जिंदगी में अपनाया नतीजा उनके बिजनेस में 40% बढ़ोतरी हुई और अब राजन डॉक्टर चंद्रा के सिखाए हुए गुरु मंत्र अपने छात्रों को भी देते हैं मैं जहां तक समझता हूं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो सभी के जीवन के लिए जरूरी है और सबको ये फायदा होता होगा जो ये शो देखते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि इस शो को सभी व्यक्तियों को जो है देखना चाहिए क्योंकि ये सभी के दैनिक जीवन से संबंधित है
राजन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ईमेल करके अपने परेशानियों का समाधान भी पूछ चुके हैं और भारत के नामी बिजनेसमैन के मार्गदर्शन की मदद से इनके बिजनेस के साथ इनकी जिंदगी भी सफलता की पटरी पर दौड़ रही है। जी मीडिया पटना। एनीवे आई थिंक द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इन इटसेल्फ इज एन अपलिफ्टिंग फीलिंग। ट्राई इट आउट। एज आई सेड, ट्राई टू डू वंस अ डे and treat that each day is a gift to you. And just I will give you a little story. A blind boy sitting on the street begging some money from the people. उन्होंने अपने हाथ में एक प्लेकार्ड लेके रखा था, एक डंडे को लगा के खड़ा करके रख दिया, आई एम ब्लाइंड मैन प्लीज हेल्प। सुबह से दोपहर हो गई, केवल चार पांच सिक्के छह सिक्के आए उसमें, उन्होंने अपना हैट उतार के रखा हुआ था। देन समबडी एल्स केम, पासर बाय, ही सॉ हिम, उन्होंने कहा कैन आई राइट समथिंग डिफरेंट ऑन योर प्लेकार्ड। तो ब्लाइंड मैन सेड यस यू कैन इफ दैट गिव्स यू मोर मनी। तो उसने प्लेकार्ड के दूसरी तरफ कुछ लिखा और वो उसको घुमा के वो खड़ा करके चला गया। एंड विद दैट द मनी स्टार्टेड पोरिंग इन दैट हैट। एवरीबडी पासिंग बाय वॉज गिविंग दैट मनी। कैन यू इमेजिन वट ही वुड हैव रिटन? द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल बट आई कांट सी इट। यस दैट्स वेरी गुड, very good, very close. He wrote, today is a beautiful day but I can't see it. So gave a positive attitude, gratitude, which helped him. You express your gratitude towards Almighty and not cribbing that I am a blind man, but he only says I can't see it. Meaning is the same, but that made other fellow feel good. But to your point, professor, old age like a bank account. You withdraw from what you have put in throughout your life. If you have put happy memories about your life, you will draw happy things from that bank account. If you have all put complaints, problems, that is what we will draw. Okay, with that, again, I really, really, really appreciate the host that they have hosted me today in this beautiful town, Manipal. Grateful to the Pai family and thankful to the faculty and all of you. You have listened to me very carefully and with your love and affection. Thank you very much.